नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। साढ़े साती, ये सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं या नेगेटिव ही ख्याल आते हैं कि साढ़े साती है तो मतलब लाइफ में सब कुछ बुरा ही होगा या गलत ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या होती है ये साढ़े साती? क्या सबके जीवन में साढ़े साती आती है? ऐसा बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। जी, साढ़े साती जो है हर किसी के जीवन में आती है। 30 साल की, 30 ईयर्स की साइकिल होती है। हर 30 साल के बाद जो है हम जो है अपने जीवन में साढ़े साती एक्सपीरियंस करते हैं। क्या होती है, कैसे वर्क करती है साढ़े साती? थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, आई एम श्योर आपके समझ में आएगा। जब जब गोचर के शनि आपके चंद्रमा से पहली राशि में आते हैं तब आपकी साढ़े साती शुरू हो जाती है। और जब वो जो है शनि आपके गोचर के चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करते हैं और उसके बाद जो उससे अगली राशि पे ट्रांजिट करते हैं तब तक आपकी साढ़े साती चलती है। एक एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए आपका चंद्रमा जो है वो मेष राशि में, तो जब शनि, गोचर के शनि मीन राशि में आ जाएंगे तब आपकी साढ़े साती शुरू हो जाएगी और जब तक वह वृष राशि यानी कि टॉरस साइन में रहेंगे तब तक आपकी साढ़े साती चलती रहेगी। शनि जो है वो एक राशि में 2.5 साल 2.5 ईयर्स रहते हैं, तो 3 राशियां कवर करते हैं साढ़े साती में, तो 2.5 2.5 2.5 मतलब 7.5 साल की ये पूरी साइकिल होती है। अब साढ़े साती हमारी अच्छी होगी कि खराब होगी ये कैसे पता चलेगा? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है। आपका लग्न क्या है, आपका चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, इस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपकी दशा उस समय क्या चल रही है, इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। पर ये कह देना कि साढ़े साती हमेशा खराब ही होगी, ये बिल्कुल गलत है। अब साढ़े साती में 2 ग्रह इन्वॉल्व होते हैं, चंद्रमा और शनि। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, हमारी सोच का कारक है, हमारे दिमाग का कारक है। सारा खेल हमारे जीवन में सोच का है और दिमाग का है। शनि जो है वो कार्मिक ग्रह है। काल पुरुष की कुंडली में शनि जो है वो 10वें घर के, हमारे कर्मों के स्वामी है। तो जब भी शनि की दशा आती है या साढ़े साती है तो उसमें हमें हमारे कर्मों को वॉच करना है, कर्म हमारे सही होने चाहिए। शनि जो है वो न्याय के, जस्टिस के भी स्वामी है। तो शनि जो है वो ये देखते हैं कि जो भी हमने कर्म किए हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उसका हमें न्याय बिल्कुल मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि शनि जो है कार्मिक ग्रह है, ये ह्यूमन नेचर है कि हमें कर्म करना पसंद नहीं आता। हम सब चाहते हैं कि आराम से बैठे रहें और सारे काम अपने आप हो जाए। इसीलिए देखिए, काल पुरुष की कुंडली में शनि जो है वो लग्न में जाके, जो कि हमारी बॉडी है, लग्न में जाके जो है वो नीच के हो जाते हैं, बिकॉज वी डोंट एंजॉय वर्किंग। हमें लगता है कि बस सब कुछ अपने आप से और अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए लोग अक्सर शनि की दशा से या साढ़े साती से घबराते हैं, क्योंकि इसमें हमें कर्म करना है, इसमें हमें एफर्ट्स डालने हैं। अब चंद्रमा और शनि का जो की जो युति होती है, ये जो है थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस दे देती है, मेहनत जो है हमसे ज़्यादा करवाती है। एज ए रिजल्ट हमें इसमें साढ़े साती में रिजल्ट्स भी उस हिसाब से मिलते हैं। मेरे गुरु श्री के एन राव ने एक बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च भी करी थी साढ़े साती पे और उसके रिजल्ट्स भी जो है हमें बड़े इंटरेस्टिंग मिले। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हम जो अक्सर घबरा जाते हैं कि साढ़े साती जो है वो खराब रिजल्ट्स ही देगी, ऐसा नहीं होता है। इंदिरा गांधी जिनका कि कर्क लग्न है, कैंसर लग्न है, और उनके जो है शनि जो है वो मार्केश है, 7th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है, जब उनकी साढ़े साती चली तो वो प्राइम मिनिस्टर बनी। इंदिरा गांधी ही नहीं, मोदी जी भी जब उनकी साढ़े साती चली 2014 में शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। देखिए, जैसा मैंने कहा, साढ़े साती आपसे काम करवाती है। प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं होता है, काम आपको बहुत करना पड़ता है। पर यस, बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि लोगों ने जो है बहुत कुछ अचीव किया है जब उनकी साढ़े साती चल रही थी। इनफैक्ट महेंद्र सिंह धोनी की भी साढ़े साती चल रही थी जब इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। तो वर्ल्ड कप बिना हाथ पैर मारे तो नहीं जीता था, बिना मेहनत किए तो नहीं जीता था।
तो मेहनत जरूर करनी होती है, पर ये कह देना कि रिजल्ट खराब होंगे ऐसा नहीं होता है। साढ़े साथी के रिजल्ट्स कई बारी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत हाइट्स पे मैंने देखा है लोगों ने हाइट्स अचीव की। तो यदि आप अपनी कुंडली किसी को दिखाते हैं और आपको ये पता चलता है कि आपकी साढ़े साथी चल रही है, तो प्लीज़ उसे घबराएं नहीं, उससे परेशान ना हों, अपने सही कर्म करें और देखें आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप लोगों के जो डाउट्स हैं साढ़े साथी को लेके, खास करके जो डर है साढ़े साथी को लेके, वो थोड़ा कम हुआ होगा। जैसा मैंने कहा कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक पे डिपेंड करता है कि साढ़े साथी किस तरह की आपकी होगी। तो यदि आपके उस चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे बिल्कुल क्लैरिफाई कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।